हेलो दोस्तों, मैं मुरली यादव मैथमेटिक्स के क्लास में स्वागत करता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए थे, तो सही औसत क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, औसत हमारा 65 था। कितने छात्रों का? 50 छात्रों का। लिखना था उसे 38, बजाय जोड़ दिया 83। तो दोस्तों ये जो 83 की वजह से, ये जो 38 की वजह से ये 83 वैल्यू जो ज्यादा हुई है दोस्तों, ये कितना ज्यादा हुआ है? 45 ज्यादा हुआ है। तो ये जो 45 ज्यादा हुआ है दोस्तों, तो ये किस पे ज्यादा हुआ है? इस 50 छात्रों पे ज्यादा होगा। तो इस 50 छात्रों पे दोस्तों अगर ये ज्यादा हो गया तो इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर हमें ये मालूम होता है दोस्तों कि ये 0.9 वैल्यू हमारा ज्यादा हो गई है। तो एवरेज जो 65 था, हमें इसमें से वैल्यू को इतना 0.9 कम करना पड़ेगा। तो दोस्तों जब 65 में से 0.9 कम करेंगे तो आपका वैल्यू आएगी 64.21। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पांच क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत है वो 9 है। यानी कि जो औसत 9 है वो पांच क्रमिक संख्याओं पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या एवं सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है। तो हम देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमें क्रमिक संख्या नहीं लिखना है, या अगर हम लिख भी लेते हैं तो देखते हैं कि अगर पांच क्रमिक विषम संख्याओं को 5, 7, 9 और 11 कितने हुए, और 13 हो गया। ठीक है, तो कह रहा है इनका जो एवरेज है वह 9 है और उनमें सबसे छोटी संख्या पूछा है दोस्तों। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 5। इस 5 में से हम -1 करते हैं तो जो वैल्यू आती है 4। तो हम जो एवरेज होता है वह 9 में से इस 4 को हम माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी 5, यही हो जाएगी हमारी सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अच्छा सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो जो हम वैल्यू निकाले 5 -4, तो इस 4 को अगर हम एवरेज में, अगर इसमें हम 4 को 9 में अगर हम एड कर दें तो ये हमारी आ जाएगी सबसे बड़ी संख्या। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला मेरा क्वेश्चन है कि 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि 10 और 120, 20 और 130, लंबे लंबे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे है कि 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से लेकर के 22 तक के जितने भी बीच की विषम संख्याएं हैं उसको हम एक बार लिख लेते हैं। तो देखते हैं, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है और 21 है। ठीक है, तो 2 और 22 के बीच की ये सभी विषम संख्याएं हैं। तो इनका जो एवरेज पूछा गया है, तो दोस्तों अगर हम इनका मीडिएशन लिया जाए, यानी कि बीच की जो औसत संख्याएं जो ली जाए, तो अगर हम इनमें एक संख्या आगे की तरफ बढ़ा दें, एक संख्या आगे की तरफ बढ़ा दें और एक संख्या अगर हम पीछे की बढ़ा दें, तो इनके एवरेज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आगे और पीछे बढ़ाने पर देखते हैं, तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्याओं का योग हम ले लेते हैं। तो अंतिम संख्या कितनी है? 23। और लास्ट की संख्या, प्रथम संख्या कितनी है? 1। इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद क्या आता है? 23 और प्लस 1, 24/2, क्या आता है? 12। यही आपका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 113 से 159 तक के विषम संख्याओं का औसत पूछा गया है। तो 113 से लेकर के 159 तक की संख्याओं का अगर हमें औसत पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो देखते हैं
113 है और इधर कितना है 159 तक, इनके बीच की विषम संख्याओं का। तो दोस्तों हम क्या करते हैं ऐसे संख्याओं में लास्ट के टू डिजिट, लास्ट के टू डिजिट को हम क्या करते हैं ले लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट के टू डिजिट को हम लेकर के उनका एड कर देते हैं, एड करने के बाद दोनों संख्याओं को क्या करते हैं टू से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने का हमें क्या पता चलता है कि इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 72। 72 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 36। लेकिन दोस्तों देखते हैं लास्ट में जो डिजिट हमारा है वह 100 में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 बढ़ा देंगे, तो इनके बीच का जो औसत होगा हमारा 136 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, 4 नंबर, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्लेबाज अपने करियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है, उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 बढ़ता है, 25वें मैच के पहले उसका औसत क्या था। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और ये कईयों बार पूछा जा चुका है, तो इसका हम एक अच्छा सा सॉल्यूशन और ट्रिक बता दे रहे हैं दोस्तों, आप इसको देख लीजिए। तो देखिए कितना है दोस्तों कि 25वें मैच तक तो उसका 100 रन था और बढ़ कितना रहा है 25वें मैच के बाद 1.4 बढ़ जाता है, तो 25 मैच में 1.4 बढ़ गया है दोस्तों। 1.4 कितना ज्यादा दोस्तों बढ़ गया है, ये 35 ज्यादा बढ़ गया है। तो इससे पूछा है इसका पहले का औसत यानी कि पुराना औसत आपका पूछा है, तो जो है कि इसका औसत कितना था, औसत रन टोटल औसत रन 100 था और ये जो 35 रन ज्यादा बढ़ा हुआ है, ये 35 रन ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों ये यहाँ पे 100 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना मेरा बचेगा 65। तो दोस्तों हमारा जो ये औसत है ये हमारा पुराना औसत मिल जाएगा, तो यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा कौन सा नंबर मैच करता है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों लड़कों के एक समूह का औसत भार 36 किलोग्राम है, एक 42 किलोग्राम भार का लड़का समूह छोड़कर चला जाता है तथा 30 किलोग्राम भार का लड़का समूह में शामिल हो जाता है, तो अब कुल औसत कितना हो जा रहा है 35.7 किलोग्राम हो जा रहा है। तो पूछा गया है कि समूह में कितने लड़के थे, तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो समूह टोटल बच्चों का औसत भार 36 kg है लेकिन 42 किलोग्राम भार का लड़का समूह छोड़कर चला गया है, तो देखते हैं ये जो 42 किलोग्राम भार का लड़का था वह गया और उसके जगह पे 30 किलोग्राम भार का लड़का आ गया है। तो दोस्तों जो आने वाला है वो कम लेकर आया है अपना वजन और जाने वाला ज्यादा लेकर चला गया है, तो दोस्तों कितना ये ज्यादा लेकर चला गया है, तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये 12 ज्यादा लेके चला गया है। अच्छा इनका जो एवरेज, सभी स्टूडेंट का जो एवरेज था वह 36 kg था, अब घट करके कितना हो गया है टोटल एवरेज 35.7 किलोग्राम हो गया है, तो दोस्तों कितना कम हुआ है, ये 0.3 कम हो गया है। तो 1.3 किसकी कमी से हुई है, यानी जो 12 किलोग्राम का लड़का था वो लेकर चला गया है, तो इसी 0.3 पे ये जो लड़का 12 किलोग्राम लेके गया है यही आपका एवरेज ज्यादा लेके गया, कितना लेके गया है दोस्तों, तो डिवाइड कर दीजिए 40 आ जाएगा, तो टोटल जो स्टूडेंट है आपका यही 40 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इतनी आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 मैच करता है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 8 व्यक्तियों का औसत वजन उस समय 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 65 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है, तो नए व्यक्ति का भार पूछा गया है, तो आप लोगों का ऑप्शन यहाँ पर सामने उपस्थित है, तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो 8 व्यक्तियों का औसत वजन उस समय 2.5 केजी बढ़ जाता है, तो 8 व्यक्तियों का दोस्तों देखते हैं कि कितना ज्यादा बढ़ा है 2.5 kg, तो 25 / 8 200 दोस्तों और पॉइंट लग जाएगा यानी कि आपका ये 20 ज्यादा बढ़ गया है दोस्तों। तो जो उनका जो एवरेज है वह कितना है 65 kg है, तो दोस्तों 65 kg तो वजन था ही प्लस ये वैल्यू आपकी बढ़ी हुई है, ठीक है। तो 65 और 20 कितना हो गया दोस्तों 85, ठीक है। तो
हमारा ऑप्शन नंबर टू मैच कराता है। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों कि आठ व्यक्तियों का औसत वजन, आठ व्यक्ति हैं उनका औसत वजन 2.5 kg बढ़ गया है। तो कितना बढ़ा है दोस्तों, ये 20 किलोग्राम हमारा वजन क्या हो गया है, बढ़ गया है। उसके बाद बताया गया है कि उनमें जो 65 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ गया, तो आने वाला व्यक्ति कितना है 65 किलोग्राम और बढ़ा हुआ वजन 20 है, टोटल वैल्यू कितना हो गया 85 kg आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है हमारा कि सात संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या 17 को एक अन्य संख्या 31 से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन जो है कि 2005 और 7 में हमें SSC CPSI में पूछा गया है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है। तो देखते हैं कि ये सात संख्याएं हैं और इनका जो एवरेज है वह 18 है। यदि एक संख्या 17 को एक संख्या 31 यानी 31 से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, इसका मतलब यह है कि जो संख्या 31 थी उसको हटा करके उस संख्या पर क्या लिख दिया गया, 17 लिख दिया गया, तो उसका एवरेज पूछा गया है तो उस नई संख्या का। तो हम देखते हैं दोस्तों कि जो संख्या हमारा 31 थी उसके जगह पे 17 लिख दिया गया है, तो हमारा जो पहली वाली संख्या थी वो 31 इसके जगह पर प्रतिस्थापित कर दिया गया है 17 को। तो दोस्तों जो 31 संख्या थी वो कितना ज्यादा लेके गई है, तो दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे 31 जो है 17, ये 14 संख्या जो गई है जाने वाली वो 14 ज्यादा लेके गई है, ठीक है। तो हम देखते हैं ये जो 14 जाने वाले 14 किस पे, सातों संख्याओं पर लेके चला जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कितना लेके गया है, टोटल 2 का एवरेज लेके चला गया है। तो दोस्तों पहले जो एवरेज था वो हमारा क्या था, 17 था, क्या था सॉरी 17 नहीं था 18 था, जो कि सात संख्याओं का औसत दिया है 18, जो एवरेज कितना था हमारा 18 था और इसने 2 ज्यादा लेके चला गया है, तो हमारा जो एवरेज हो जाएगा कितना हो गया दोस्तों 20, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड मैच करता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों कि सात संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या 17 को एक संख्या 31 से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि जो हमारा 31 नंबर की संख्या थी उसके जगह पर क्या लिख दिया गया, 17 ला दिया गया, तो हमारा जो एवरेज हुआ कम हो गया। तो कितना जो जाने वाली संख्या है वो कितना लेके गई है, 14 ज्यादा लेकर चली गई है, कितने संख्याओं पे, सात संख्याओं पे ज्यादा लेके चली गई है, तो कितना ज्यादा लेके गई है 2 लेके गई है। तो हमारा जो पुराना औसत था वह 18 था, अब औसत कितना हो जाएगा प्लस इसमें 2 कर देंगे, यानी कि हमारा जो एवरेज हो जाएगा वह 20 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 40 लड़के हैं तथा उनकी औसत आयु 16 वर्ष है, एक लड़का जिसकी आयु 17 वर्ष है वहां से चला जाता है तथा एक अन्य लड़का कक्षा में सम्मिलित हो जाता है, तो औसत आयु क्या हो रही है 15.875 वर्ष हो जाती है। तो पहले तो पूछा गया है नए लड़के की औसत आयु क्या होगी, तो देखते हैं दोस्तों कि जो पहले का एवरेज था वह कितना था 16 था, अब जो एवरेज हो गया है कितना हो गया है 15.875, यानी कि दोस्तों कितना कम हो गया है, पहले का जो एवरेज था वो 16 था और जो अब एवरेज हो गया है 15.875। तो 16 से 15.875 कितना कम हुआ है, तो 0.125 ही कम हुआ है। तो दोस्तों ये 0.125 कितने लड़कों पर कमी आएगी, यानी कि टोटल 40 लड़कों पर कमी आएगी, तो यही इसमें हम 40 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टोटल कमी यहां से मालूम चल जाता है। तो दोस्तों इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां से आता है 5, तो टोटल कितना होता है 5 की हमें यहाँ पे कमी हो जाती है। तो दोस्तों पहला जो लड़का है उसकी औसत आयु जो है वह 17 वर्ष थी, पहले वाला लड़का जो था वह 17 वर्ष था और ये 5 वर्ष जो है कि ये कमी ला दिया, टोटल कमी जो आई है ये 5, ये 40 लड़कों की 5 की कमी आई है। तो जो आने वाला लड़का है यानी कि जो नया लड़का है उसकी उम्र कितनी हो जाएगी 12 वर्ष। एक बार फिर से दोस्तों देख लेते हैं सवाल को कि एक कक्षा में 40 लड़के हैं तथा उनकी औसत आयु 16 वर्ष है,
एक लड़का जिसकी आयु 17 वर्ष है वहां से चला जाता है। तो जो ग्रुप समेत जो 17 वर्ष का लड़का है वह क्लास छोड़कर चला गया। तो औसत आयु क्या हुआ दोस्तों, 40 बच्चों में अगर 17 वर्ष का लड़का अगर क्लास छोड़कर चला गया तो औसत आयु में गिरावट हो गई है। और टोटल औसत आयु में गिरावट कितनी आई है, 16 वर्ष से 15.875, कितना की कमी आई है, 0.125 की कमी आई है। कितने विद्यार्थियों पे, टोटल 40 विद्यार्थियों पर 0.125 की कमी आई है। टोटल कमी कितनी आई है, 5 की कमी आई है। ठीक है, तो जो लड़का था वह जो आने वाला लड़का सॉरी जो लड़का गया है वह कितना था, 17 वर्ष का था, और जो कमी आई है वह 5 की कमी आई है। तो जो नया लड़का आने वाला है उसकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 मैच करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उसमें से एक जिसकी आयु 24 वर्ष है इसे दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। दूसरे व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, 8 व्यक्ति हैं और उनकी औसत आयु कितनी है, 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो जो 2 वर्ष आयु बढ़ रही है कितने व्यक्तियों पे बढ़ रही है दोस्तों, 8 व्यक्तियों पे बढ़ रही है। तो टोटल औसत आयु कितनी बढ़ गई है, 16 वर्ष, तो बढ़ाने के काम आए। ठीक है, 16 वर्ष बढ़ाने के काम आए। और व्यक्ति की जो आयु है क्या बता रहा है कि यदि उसमें से एक व्यक्ति की आयु जो है वो कितनी है, 24 वर्ष है। कितनी है, 24 वर्ष है। तो दोस्तों उसकी औसत आयु जो है ये तो 24 वर्ष है और प्लस 16 वर्ष बढ़ाने के काम आए, तो दूसरे व्यक्ति की औसत आयु कितनी हो जाएगी। तो दोनों दोस्तों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 6 4 10 2 3 और 1 4, तो टोटल जो व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति जो आने वाला है उसकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड मैच करता है। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उसमें से जिसकी आयु 24 वर्ष है। तो जो व्यक्ति है वह कितने वर्ष का है, 24 वर्ष का है, और 2 वर्ष क्या कर रहा है, 8 व्यक्तियों पर 2 वर्ष आयु बढ़ जा रही है। तो 24 और 16, तो 16 तो औसत आयु है प्लस 16 बढ़ाने का काम है, टोटल कितने हो गए, 40 इयर्स। तो दूसरे व्यक्ति की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 40। ठीक है दोस्तों,